दिल में अगर हो उम्मीद, पत्थर भी पिघलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं। उसी को निभा रही हूँ। पार्टी प्रमुख मिला माँ मुझे, और मुझे उसने बोला है कि इस बार भी टिकट मुझे मिलेगा और किसी को नहीं। उसका ये भी कहना था कि क्षेत्र में सिर्फ मैं ही हूँ जो बहुत ज्यादा वोट से जीत सकता हूँ, तो मेरे सामने खड़े होने की किसी के पास ना हिम्मत है ना ताकत। उसका ये भी कहना था कि क्षेत्र में सिर्फ मैं ही हूँ जो बहुत ज्यादा वोट से जीत सकता हूँ। मैं जानती हूँ आप कुछ तो कहना चाहते। हाँ बेटे, मैं कहना तो चाहता था, लेकिन फिर तेरी लगन और मेहनत देख के मुझे लगा ये वक्त नहीं है कुछ कहने का, बस इसीलिए मैं वापस जा रहा था। बाबा, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना सता रही है? आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, शायद उन्हीं लोगों ने कल मुझ पे भी हमला किया था। कहाँ रख दिया? यही तो रखा था। अरे सफेद साड़ी नहीं मिल रही है, यही अलमारी में तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पूरी अलमारी छान मारा पर मिली ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मुझे चीजें रखकर भूल जाने की बीमारी हो गई है शायद। सफेद साड़ी क्यों? किसी की डेथ हो गई है या किसी की तेरवी में जाना है आपको जो सफेद साड़ी पहननी है? छी छी छी, कैसी बातें करती है तू? अरे कुछ सोच समझ कर तो बोला कर। सफेद कपड़े क्या किसी के मरने पर ही पहने जाते हैं? तो भूल गई ना? भूल गई। अरे कल होली है, होली, और होली पर सफेद कपड़े पहनकर होली खेलने का ना मजा ही कुछ और है। रंग बिरंगे छीटे, अबीर, गुलाल, वाह कितना मजा आता है ना। वाह दी, मैं तो भूल ही गई थी कि कल होली है। हाँ, कितना मजा आएगा ना कल होली में। होली मेरा फेवरेट त्योहार है। आपको याद है दी, जब हम लोग छोटे थे हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे, पूरे मोहल्ले में भाग भाग कर होली खेला करते थे। मुझे पता है। और होलिका दहन के एक दिन पहले से ही हम लोग शुरू हो जाते थे, याद है आपको? और शाम तक कलर में एक दूसरे को इतना पोत देते थे कि मम्मी जी को पहचानने में तकलीफ होती थी कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। और ना हम दोनों को मार भी खूब पड़ती थी, है ना? याद है आपको मौसी कितना चिल्लाती थी, कम्बख्त ये कलर मुझ पे किसने डाला? और हम दोनों रंग डालकर घर के पीछे जाकर छुप जाते थे। पर दीदी कल हमारे घर पर सब लोगों को कितना मजा आएगा ना होली खेलने में। पता नहीं यहाँ पर कैसे होली खेलते होंगे, मजा आएगा भी या नहीं। अरे ऐसा क्यों सोच रही है कि मजा नहीं आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस होली पर तुझे सबसे ज्यादा मजा आएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि अब तो तेरे साथ होली खेलने के लिए पार्टनर भी है ना? पार्टनर? वो कौन है? तुझे नहीं पता? अच्छा मैं बताती। क्यों? भवानी है ना, उसके साथ जी भर के होली खेलना, खूब रंग डालना उस पर। कम से कम एक दूसरे को जानने की शुरुआत तो होगी। क्या दीदी आप भी ना कुछ भी बोलते हो, एक दूसरे को जानने के लिए होली खेलना जरूरी है क्या?
चलो मान लिया कि होली खेलने से एक दूसरे को नहीं जान पाओगे, पर एक छोटी सी शुरुआत तो हो जाएगी एक दूसरे को जानने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि होली से अच्छा दिन इस काम के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? ओके ओके ठीक है, हम होली खेलेंगे और खुशी के साथ खेलेंगे। अब तो खुश? हाँ मैं खुश हूँ। चल फिर तैयारी करते हैं। पहले आजा गले लग। दीदी आप ये क्या कर रही हो? अरे देख नहीं रहे, होली के लिए रंगोली बना रही हूँ। छोड़ो ना दीदी ये सब, चलो ना होली खेलते हैं। अरे आज वो रंग वाली होली नहीं है खेलने वाली, आज होली का दहन है। हाँ वही, चलो ना होली का दहन करते हैं। चलो होली का दहन करते हैं। जैसे बड़ा पता है होली का क्यों बनाई जाती है, पता भी है कुछ? अच्छा बताओ किसको पता है? हमें तो नहीं पता दीदी। नहीं पता? तुम्हें पता नहीं है ये होली किसके लिए मनाई जाती है? आजकल के माँ बाप भी ना तो बच्चों को अपने इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं और न ही हमारे धार्मिक पुरानी कथाओं के बारे में। चलो मैं और तुम्हारी अंजलि दीदी मिलके आज तुम्हें होली और होली का दहन की कहानी सुनाएंगे। ठीक है तैयार? हाँ। आओ इधर बैठ रहे। इधर देखो, होलिका की जो कहानी है ना, वो कहानी है हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की। प्राचीन काल में एक बहुत अत्याचारी राक्षस राजा था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने भगवान की तपस्या की और उसे एक ऐसा वरदान मिल गया कि वो न तो पृथ्वी पे मर सकता था, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न रात में, न दिन में, न उसे कोई जीव जंतु मार सकता था, न उसे कोई देवी देवता मार सकता था, यहां तक कि उसे कोई शस्त्र भी नहीं मार सकता था। मतलब उसे न तो कोई मार सकता था और न वो मर सकता था। कहने का अर्थ ये कि वो अमर हो गया था, उसे कोई मार ही नहीं सकता था। आ गया समझ में? हाँ। और फिर पता है क्या हुआ? उसके बाद वो एकदम निरंकुश बन बैठा और फिर हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा भगवान में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। भगवान विष्णु की उस पर अत्यंत कृपा थी। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। कुछ समझ भी आ रहा है कि बस ऐसे हाँ कर रहे हो? हाँ। फिर हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वो उसके अलावा और किसी की स्तुति ना करे। लेकिन प्रहलाद ने तो मानने से मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन प्रहलाद पर भगवान की कृपा दृष्टि थी तो वो बच गया। कैसे बचा मैं बताता हूँ। अच्छा देखो, हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी, उसे भगवान ने वरदान में एक ऐसी चादर दी हुई थी जिस पे अग्नि का कोई असर ही नहीं होता था। वो चादर ओढ़ के बैठ जाए तो वो जल ही नहीं सकती थी। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए हिरण्यकश्यप ने होलिका और उसकी चादर की मदद से प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। आया समझ में? हाँ। फिर होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर जलाकर मारने के उद्देश्य से एक वरदान वाली चादर ओढ़कर धू-धू करती आग में बैठ गई और प्रभु की कृपा से वायु के वेग से वो चादर उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर आग में भस्म हो गई और इस प्रकार बालक प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका की मृत्यु हो गई।
अब देखो फिर क्या हुआ, भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और वो खंबे से बाहर आए और गोधूली के वक्त उन्होंने चौखट पे बैठ के हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा और उसे मार डाला। आ गई समझ में कहानी? हाँ। ठीक है ना? हाँ। बस तब से वो जो होली का जली थी उसकी याद में होली जलाई जाती है, इसीलिए कहते हैं होली का दहन, है ना? होली हाँ। जलाना। आ गई कहानी समझ में? वेरी हाँ। गुड, बहुत बढ़िया। और बच्चे लोग तब से लेके आज तक होली का मनाई जाती है। वेरी गुड। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। अब ये कहानी मैं अपनी मम्मी पापा को सुनाऊंगा। अब चलो हम लोग होली खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। तरह हंसता खेलता देखकर बहुत अच्छा लगता है, है ना भाई साहब? हाँ। भगवान करे ये हमेशा ऐसे ही हंसती खेलती रहे। लेकिन इसका बचपन इससे बहुत जल्दी रूठ गया। घर के हालात और परेशानियों की वजह से ये समय से पहले ही बड़ी हो गई। पर ना, क्या ये उम्र थी कोई कोर्ट कचहरी के धक्के खाने की? सही कह रहे हैं आप, बहुत जल्दी बड़ी हो गई है और बड़ों की तरह घर की जिम्मेदारी भी उठाने लग गई। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हंसती खेलती रहे। स्कूल वाली जमीन के कागजात हैं, तो इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। स्कूल वाली जमीन मतलब? हाँ वही जमीन जिसे हमने कोर्ट से जीत लिया, लेकिन वो जीत हार से बदतर थी, क्योंकि उस जीत के साथ मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। भवानी भैया, खाना लग गया, माँ जी आपको बुला रही हैं। और पता है भैया, आज ना घर में सब आपके मनपसंद की चीज़ें बनी हुई हैं, पूड़ी, आलू की सब्जी, और पता है सबसे बड़ी बात, आपके मनपसंद की खीर बनी हुई है। चलिए ना भैया खाते हैं। माँ को बोल दो मैं आता हूँ। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता, जिंदगी बिना कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, समझ में नहीं आता कि यहां से कहां जाऊं। अगर एक रास्ता चुनता हूं तो अपनों को खोता हूं, और अगर दूसरा रास्ता चुनता हूं तो अपने आप को खोता हूं। ये किस धर्म संकट में डाल दिया है भगवान।
कहानी ये सिर्फ बातें होती तो बुलाई भी जा सकती थी, लेकिन मेरे वो शरीर का वो हिस्सा थी तो खटखट अब अलग हो गया है। अब मैं अपने आप को बात अपाहिज समझता हूं। बात साधु और शैतान की नहीं है, बात सच्चाई की है। वीरेंद्र भाई साहब के फैसले के मान सम्मान की है। और मेरे मान सम्मान का क्या मतलब? तेरी नजरों में मेरे लिए कोई मान सम्मान नहीं है भाई साहब। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? अब प्रताप, रही बात कोर्ट केस के बारे में, पहले भी ये केस तुम ही हैंडल कर रहे थे ना, इसलिए मैं चाहती हूँ अब भी ये केस तुम ही हैंडल करो। हाँ, वो कोर्ट केस भवानी, तुम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हैंडल करोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारा ध्यान कुछ ज़्यादा ही भटक गया है, जिसकी वजह से बिजनेस में हमें बहुत लॉस भी हो रहा है। क्या कहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी बिना कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, समझ में नहीं आता कि यहाँ से कहाँ जाऊँ। अगर एक रास्ता चुनता हूँ तो अपनों को खोता हूँ, और अगर दूसरा रास्ता चुनता हूँ तो अपने आप को खोता हूँ। ये किस धर्म संकट में डाल दिया है भगवान। जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। मनोहर मेरे बचपन का दोस्त था, जो भी मनोहर के साथ हुआ उसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। बस तुमसे गुजारिश है कि मनोहर का सपना अब तुम्हें पूरा करना है, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाऊं ये समझ नहीं पा रहा हूं, पर सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब तुम्हें मेरे और मनोहर के सपने को पूरा करना होगा, और उसमें मेरा भाई भवानी तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। एक बार स्कूल बन जाए तो मैं समझूंगा कि तुमने और मनोहर की आत्मा ने मुझे माफ कर दिया। वीरेंद्र। जिस अग्नि के सामने मैं कसम खाती हूँ, जिन लोगों ने भी तुम्हारी ये हालत की है और जो लोग जिम्मेदार हैं हमारे परिवार की इस हालत के लिए, मैं उन्हें चैन से बैठने नहीं दूंगी, उनका जीना हराम कर दूंगी। दूर किनारे
कल होली, क्यों ना ये लेटर कल ही अंजलि को दे दूं? शायद उसको यकीन आ जाए कि मैं क्या चाहता हूं और वो केस वापस ले ले। अग्नि के सामने मैं कसम खाती हूँ, जिन लोगों ने भी तुम्हारी ये हालत की है और जो लोग जिम्मेदार हैं हमारे परिवार की इस हालत के लिए, मैं उन्हें चैन से बैठने नहीं दूंगी। उनका जीना हराम कर दूंगी, उनका सुख चैन सब बर्बाद कर दूंगी। और जब तक चैन से नहीं बैठूंगी, तब तक कि वो लोग तुमसे माफी ना मांगे और बाबा से रहम की भीख ना मांगे। और ये सब करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी, किसी भी हद तक जाऊंगी, मगर अपनी मंजिल पाकर ही रहूंगी। क्या सोच रहे हो? बस भाभी की याद आ रही थी, अगर वो भी होती तो बड़ा मजा आता। शालिनी दीदी नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी ये छोटी भाभी तो है ना, हमारे साथ होली खेलो। शालिनी इस घर में नहीं है तो तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है काजल। इस घर का एक सदस्य ये घर छोड़कर चला गया है, इसका मतलब यही हुआ कि हम में से कोई कसूरवार है। तो कुछ भी बोलती हो, पहले सोचो समझो फिर बोलो। जाओ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, जाओ।